नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है टाइफॉइड फीवर। इसके बारे में हम यही जानेंगे कि क्या होता है। टाइफॉइड फीवर आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर। टाइफॉइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला बैक्टीरिया। ये किससे होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया से। टाइफॉइड फीवर इज़ ए सिस्टमेटिक डिजीज़। ये क्या है? सिस्टमेटिक डिजीज़ है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी एस टाइफी साल्मोनेला टाइफी की वजह से ही होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये सिस्टमेटिक डिजीज़ है। बॉडी के अलग अलग सिस्टम को ये प्रभावित करती है। टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड फीवर आर मोस्ट कॉमन इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर वाटर एंड फूड मे बी अनसेफ एंड सैनिटेशन इज़ पुअर। तो वर्ल्ड में जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो देश हैं, जहाँ पर कि पानी और फूड जो है वो अनसेफ है और सैनिटेशन पुअर है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम टाइफॉइड फीवर होता है या पैराटाइफॉइड फीवर होता है। देन इसके कॉजेज़ डिटेल में हम यहाँ पर देखते हैं क्या कॉजेज़ होते हैं। एस टाइफी इज़ स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड ड्रिंक और वाटर। जो कंटामिनेटेड संक्रमित भोजन है, पानी है या कोई भी ड्रिंक है, उससे ये होता है। इफ़ यू ईट और ड्रिंक समथिंग दैट इज़ कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरिया एंटर द बॉडी। तो हम ऐसी कोई भी चीज़ ले रहा है पेशेंट, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो कि कंटामिनेटेड है, जिसमें कि ये बैक्टीरिया है टाइफॉइड फीवर वाला साल्मोनेला टाइफी, तो ये एंटर कर जाता है बॉडी में, दैट ट्रैवल इनटू इंटेस्टाइन और फिर कहाँ पहुँच जाता है? इंटेस्टाइन में एंड देन इनटू ब्लड, और वहाँ से ब्लड में पहुँच जाता है। इन द ब्लड दे ट्रैवल टू लिम्फ नोड, और ब्लड से ये कहाँ पर पहुँच जाता है? लिम्फ नोड पे, गॉल ब्लैडर पे, लीवर, स्प्लीन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पर चला जाता है। तो पहले क्या हुआ? ईट और ड्रिंक से ये गया कहाँ पर? इंटेस्टाइन में, वहाँ से ब्लड में, वहाँ से लिम्फ नोड में और गॉल ब्लैडर में, लीवर, स्प्लीन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट लिव्स इन द गट। इंटेस्टाइन में ये रहता है ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, जो कि इससे संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें, एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और इससे क्या हो सकता है? ये कंटामिनेट कर देता है फूड को और वाटर को। देन आता है सिम्टम्स। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 2 week, 1 से 2 सप्ताह, एंड द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होती है अबाउट 3 to 4 week। तो इंक्यूबेशन पीरियड है कि जब ये एंटर करता है और उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं फर्स्ट, उसका पीरियड तो ये 1 to 2 week, और ये टोटल इलनेस कितनी देर तक रहती है? 3 से 4 week तक। सिम्टम आर लाइकली टू स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे शुरू होते हैं लक्षण, एंड ऑफन शोइंग अप 1 to 2, 3 weeks आफ्टर एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया, और 1 से 3 वीक में ये लक्षण देखने शुरू होते हैं। द फर्स्ट 12 to 48 hours आफ्टर इन्फेक्शन आर टिपिकली द एसिम्टोमेटिक फेज। मतलब इसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जो पहले 12 से 48 घंटे होते हैं उसमें। एट दिस पॉइंट पर्सन विल हैव नो सिम्टम्स ऑल दो इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द अदर्स, और इससे दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन लग सकता है इस दौरान। दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, जनरल इल फीलिंग, अच्छा महसूस नहीं होना, एब्डोमेन में पेन होना, हाई फीवर 103 degrees Fahrenheit और 39.5 degrees Centigrade और हायर, एंड सीवियर डायरिया अकर्स एट द डिजीज गेट वर्स। और डायरिया होता है सीवियर, जैसे जैसे जो बीमारी है वो ज़्यादा फैलती जाती है, ज़्यादा ख़राब होती जाती है। डेवलप सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड फीवर ग्रेजुअली इन 4 stages में ये मेनली फीवर, टाइफॉइड फीवर के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहला है स्टेज फर्स्ट कैन स्टार्ट गेटिंग टाइफॉइड सिम्टम्स एनीवेयर 5 to 14 days आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एस टाइफी से कॉन्टैक्ट के 14 दिन के अंदर ही आने लगते हैं। द फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? फीवर दैट गेट हायर ओवर ए फ्यू डेज कॉल्ड स्टेप वाइज, या इसको कह सकते हैं हम लैडर वाइज फीवर या स्टेप वाइज, स्टेप के थ्रू ये फॉलो होता है। सिंस इट गोज अप इन स्टेप्स में जाता है, द बैक्टीरिया इज मूविंग इन टू ब्लड इन दिस स्टेज, और यहाँ पर बैक्टीरिया कहाँ पर पहुँच जाते हैं? ब्लड में पहुँच जाते हैं। देन आती है सेकेंड स्टेज।
सेकेंड स्टेज में क्या होता है, अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ द फीवर द बैक्टीरिया इज़ मल्टीप्लाइंग इन पेयर्स पैचेस। तो जो दूसरा वीक होता है उसमें बैक्टीरिया पेयर्स पैचेस, जो कि पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम दैट आइडेंटिफाई हार्मफुल इन्वेडर, ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है, ये देखता है कि कोई बाहर से कोई हार्मफुल हानिकारक इन्वेडर तो नहीं आ रहा है। तो ये किस में बैक्टीरिया किस में मल्टीप्लाई होने लग जाता है, पीएस पैचेस में। स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एब्डोमिनल पेन एंड अदर स्टमक सिम्टम्स लाइक डायरिया कॉन्स्टिपेशन, माइट गेट रोज स्पॉट्स बॉडी पे। रोज स्पॉट्स क्या होते हैं, पिंक डॉट्स होते हैं स्किन पे दैट लुक लाइक ए रैश विच आर स्मॉल रेड स्पॉट ऑन द एब्डोमन पे और चेस्ट पे। तो ये होते हैं रोज स्पॉट जो कि इसके लिए पर्टिकुलर हैं, टिपिकल हैं। देन आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या होता है, इफ़ नॉट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स द बैक्टीरिया कैन कॉज सीवियर डैमेज यूजअली अराउंड द थर्ड वीक आफ्टर सिम्टम स्टार्ट। तो यदि हम सेकेंड वीक तक उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये और ज़्यादा हमें जो पेशेंट है उसको डैमेज करने लग जाता है और उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सम पीपल गेट सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक इंटरनल ब्लीडिंग और एनसेफेलाइटिस भी उसमें हो जाता है। देन स्टेज फोर आती है, ये क्या है, इज वेयर मोस्ट पीपल बिगिन टू रिकवर। इसमें ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो रिकवर होने लग जाते हैं। हाई फीवर बिकम्स टू कम डाउन, एस टाइफी कैन लिव इन गॉल ब्लैडर विदाउट कॉजिंग सिम्टम्स। उस व्यक्ति के उस पेशेंट के गॉल ब्लैडर में ये रहता है एस टाइफी, लेकिन कोई सिम्टम्स उसको नहीं आते, विच मीन्स मे स्टिल बी कॉन्टेजियस इवन आफ्टर फील बेटर। तो वो व्यक्ति फील बेटर कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉन्टेजियस होता है, दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इस तरह से ये चार वो आ गई स्टेजेस। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ब्लडी स्टूल, चिल्स, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, डेलेरियम, सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, हेल्यूसिनेशन, डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन, अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, ध्यान नहीं लगा पाता व्यक्ति, नोज ब्लीड, सीवियर फटिक हो जाती है, थकान, स्लो स्लगिश एंड वीक फीलिंग महसूस करता है वो। तो ये होते हैं सिम्टम्स जो कि अलग अलग स्टेज में हैं। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इससे, तो डैमेज हो सकता है इंटेस्टाइन में। टाइफॉइड फीवर कॉम्प्लिकेशन कैन इंक्लूड डैमेज एंड ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन। अदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स में इन्फ्लामेशन, और उससे क्या होता है वो मायोकार्डाइटिस। देन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट एंड वॉल्व जिसको कि कहते हैं हम एंडोकार्डाइटिस, ये कॉज कर सकता है। इन्फेक्शन ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स जो कि माइकोटिक एन्योरिज्म कहलाता है। देन न्यूमोनिया हो सकता है इससे। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेंक्रियास कॉल्ड पेंक्रियाटाइटिस। किडनी और ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इससे। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड फ्लूड सराउंडिंग द ब्रेन स्पाइनल कॉल्ड मेनिंजाइटिस। साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि डेलीरियम, हेलुसिनेशन, पैरानॉइड साइकोसिस, इंटेस्टाइनल हेमरेज, सीवियर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइनल। इसके अलावा सेप्सिस, लंग कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एप्सिस, एम्पाइमा, ब्रोंको प्लूरल फिशुला। देन टाइफॉइड एंसेफेलोपैथी विच हैज़ ए 55% मॉर्टिलिटी रेट। मेनिंजाइटिस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स साइकोसिस, मसल रिजिडिटी, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। देन आते हैं एग्ज़ाम या टेस्ट या डायग्नोसिस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC करते हैं। विल शो ए हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल बताती है ये इन्फेक्शन यदि प्रेजेंट है तो। ए ब्लड कल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर कैन शो एस टाइफी बैक्टीरिया ब्लड कल्चर। अदर टेस्ट हैं जैसे कि एलिजा ब्लड टेस्ट टू लुक फॉर एंटीबॉडी टू द एस टाइफी बैक्टीरिया। देन फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टडी टू लुक फॉर सबस्टेंस दैट आर स्पेसिफिक टू एस टाइफी बैक्टीरिया। प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं। देन स्टूल कल्चर और विडार टेस्ट। ये क्या है, विडार टेस्ट किया जाता है इसमें। ACBC शो हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। देन ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम इसका। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, टाइफॉइड फीवर रिक्वायर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट
विद एंटीबायोटिक। जैसे ही पता चलता है इसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। इफ़ टाइफॉइड फीवर इज़ डायग्नोस्ड अर्ली द इन्फेक्शन इज लाइक टू बी माइल्ड एंड कैन यूजली बी ट्रीटेड एट होम। घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं यदि उसका जल्दी हमें पता लग गया है और ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं तो 7 से 14 दिन का कोर्स होता है एंटीबायोटिक टैबलेट का। इसका एंटीबायोटिक कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं इसमें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रियोक्सोन, सीफोटैक्सिम, सेफिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, कार्बापेनम्स। ये डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगता है उस हिसाब से इनमें से कोई एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को और वो ही लेनी चाहिए। अदर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर में यूज़ क्लोरामफेनिकॉल, एम्फिसिलीन एंड सल्फा, मैथॉक्सिजोल, ट्राइमेथोप्रिम, बैक्ट्रीम। प्रेग्नेंट पीपल जो हैं शुड हैव ऑल्सो अवॉइड क्लोरामफेनिकॉल को अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। देन फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट मे बी गिवन बाय IV इन टू वेन और मे बी आस्क टू ड्रिंक वाटर विद इलेक्ट्रोलाइट पैकेट दिए जाते हैं जिससे कि फ्लूड बैलेंस बना रहे। इसके अलावा 2 वैक्सीन्स हैव बीन यूज फॉर मैनी ईयर्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टाइफॉइड फीवर। ये हैं इंजेक्टेबल वैक्सीन बेस्ड ऑन द प्यूरिफाइड एंटीजन फॉर पीपल एज्ड ओवर 2 ईयर से जो अब है उनके लिए, और इसके अलावा ए लाइव एटीन्यूटेड ओरल वैक्सीन इन कैप्सूल फॉर्मेशन फॉर पीपल एज्ड ओवर 5 ईयर। देन प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे हम, सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग, एंश्योर फूड इज़ प्रॉपरली कुक्ड हो, स्टिल हॉट व्हेन सर्व्ड एंड अवॉइड रॉ मिल्क प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रॉ मिल्क। ड्रिंक ओनली पाश्चराइज और बॉयल्ड मिल्क को ही ड्रिंक करें एंड अवॉइड आइस अनलेस इट इज़ मेड फॉर सेफ वाटर से बनी हुई आइस ही लें। व्हेन द सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ क्वेश्चनेबल बॉयल इट, जब ऐसा लगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ठीक नहीं है तो इसको बॉयल करें। और दिस इज़ नॉट पॉसिबल डिसइंफेक्ट विद रिलायबल स्लो रिलीज डिसइंफेक्टिंग जो एजेंट है उसके द्वारा इसको डिसइंफेक्ट किया जाए। देन वॉश हैंड थॉरली एंड फ्रिक्वेंटली यूजिंग सॉप इन पर्टिकुलर आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पैट्स और फॉर्म एनिमल्स और आफ्टर हैविंग बीन टू ए टॉयलेट। तो साफ सफाई का ध्यान रखें। देन वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करें केयरफुली पर्टिकुलरली इफ़ आर दे आर रिटर्न रॉ, यदि हम उनको कच्ची ही खा रहे हैं जो भी फ्रूट हैं या वेजिटेबल हैं पका नहीं रहे हैं तो उनको वॉश करें प्रॉपर। ए पॉसिबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी पील्ड, उनको पील करके उनका छिलका उतार के उनको यूज़ करें। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइफॉइड फीवर। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।